नीलोखेड़ी के थाना बुटाना में आज महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इंद्री के डीएसपी रणधीर सिंह ने की। उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के लिए कहा। आइए सुनते हैं कि डीएसपी रणधीर सिंह ने महिलाओं और अन्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक रहा जाए उसके बारे में बताया। सुनते हैं डीएसपी की जुबानी। ये हमारा ना पुलिस वीक है, ये हरियाणा पुलिस वीक, तो इसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेडीज़ को बुलाया है आज, और रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को, पब्लिक को, आम पब्लिक को भी बताएंगे, और स्कूल लेवल पे भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, थाना लेवल पे भी, चौकी इंचार्ज के लेवल पे भी, सब डिविजन लेवल पे भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सर आपको क्या लगता है कि मतलब खाली महिलाओं को जागरूक करने से ही मतलब लोग जागरूक होंगे या कुछ और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए? ऐसा है, लेडीज़ के खिलाफ कोई भी यदि ऑफेंस होता है तो तुरंत तो उस पर एक्शन हो, और ये पब्लिक को भी दिखाई दे भाई पुलिस बड़ी एक्टिव है, हर आदमी को जस्टिस मिले, हर लेडीज़ को, लेडीज़ कम से कम ये ना फील करे भाई मैं अनसिक्योर हूँ, अनसेफ। सर जैसे थाना के जो अंडर हैं, काफ़ी एरिया जो बड़ा आता है, लेकिन यहाँ पर जो महिला स्टाफ है उसकी कमी है सर? नहीं, अभी हर थाना लेवल पे एक दो तो है अभी, लेकिन अब कुछ हमारी रिक्रूट्स शायद एक या दो महीने बाद आने वाली हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम लगभग लगभग शुरू हो जाएगी, और हम कुछ करेंगे, अफसरों से बात करेंगे, कुछ वॉलेंटियर यदि हमारे को लेडीज़ जो अपनी खुशी से यहाँ को काम करना चाहें। सर पहले रखी हुई थी वॉलेंटियर्स के बारे में सर? ये ऑफिसर लेवल पे हम बात करेंगे, इसमें भी यदि मिल जाएँ तो बेस्ट है, इसमें बड़ा कोऑपरेशन रहता है, आम पब्लिक का भी, पुलिस को भी बड़ी हेल्प रहती है इसमें। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? तो यही संदेश दूंगा कि भी अच्छा बिल्कुल शांति से रहें यहाँ, यदि एरिया में कोई क्राइम है तो तुरंत हमारे को इन्फॉर्म करें, और किसी से भी मिले कोई, यदि किसी के साथ क्राइम है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को थाने में जरूर दें उसको। सर मान लो जैसे मतलब कभी कभार जैसे चौकी या थानों में फ़ोन किया जाता है लेकिन पुलिस जो है सर टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, कई बार स्टाफ कम होता है, कभी कोई कमी, कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है सर? नहीं नहीं, अभी तो ऐसी बात तो नहीं है, अब तो 1091 पे भी यदि आप कॉल करोगे तुरंत रिस्पॉन्स टाइम होता है, 10-15 मिनट का पहुँच जाती है। कई बार इमरजेंसी होती है, पुलिस कहीं और गई होती है, तो लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सर मान लो जैसे राइडर लगे हुए थे रात में ड्यूटीज, कई राइडर्स कई बार नहीं भी होते, जो कई बार टाइम पे नहीं पहुंच पाते सर, जो रात को जो गश्त होती है राइडर्स की? नहीं, उसमें देखो हमने ना रिस्पांस टाइम फिक्स किया है, हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में जहाँ स्पॉट पर पहुँच जाए, यदि किसी कारणवश नहीं जाती है तो हम दूसरे थाने को की फोर्स को भेज देते हैं, भाई आप उसकी गाड़ी वहाँ सराउंडिंग नज़दीक के थाने में वहाँ जाए। आज न्यूज़ के लिए नीलोखेड़ी से रूबी की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।